जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज यहाँ का वेदर रीवा का बहुत ही सुहाना हो रखा है। रात में जम के बारिश हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अप्रैल का मौसम है, ऐसा लग रहा है कि अभी नवंबर। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात में तो फैन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वैसे रात में कल लाइट चली गई थी, काफ़ी लेट में आई थी लाइट, कम से कम 12 बज गए थे लाइट को आने में। फिर हम लोग आराम से, क्योंकि थोड़े मच्छर है ना तो फैन की जरूरत पड़ती है। तो गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस कहीं घूमने निकल जाओ, लॉन्ग टूर पे मज़ा आ जाए। तो कोई नहीं, आज मम्मी फुल मज़ा लेने वाली है घर में। तो आज मम्मी बहुत ही बढ़िया सा कुछ बना रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आप भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मम्मी आज समोसा बनाएंगी, मौसम का ख्याल रखते हुए। मौसम हो रहा है मस्त ठंडा ठंडा सा, तो मम्मी ने बोला, सब लोगों ने बोला, मम्मी का क्या, मम्मी का तो इतना कुछ खास कोई मन नहीं रहता है, क्योंकि उनको तो बनाना रहता है, मेहनत तो उनकी लगनी है। तो सबकी डिमांड है कि आज समोसा खाएंगे। तो आज समोसा थोड़ा अलग स्टाइल का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मम्मी आटे का समोसा बनाएंगी, इसमें थोड़ा सा मैदा मिला के इधर आटा लगा के रख दिया है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें अजवाइन डाला है मम्मी ने और मगरेल डाल के इसका डो तैयार कर लिया, और हल्का सा नमक डाला है इसमें और मोयन। और इधर मसाला बना रही हैं और इधर बन रहा है मसाला, आलू मटर, थोड़ा सा तड़के में प्याज धनिया और अदरक डाली है मम्मी ने। यह स्टाइल है एकदम से मम्मी का। ये देखिए, हल्की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये बन रहा है समोसा। ये मसाला बन गया, ऑलमोस्ट भुनाई हो गई इसकी बढ़िया सी। बढ़िया सी खुशबू आ रही है, मन तो कर रहा है अभी बने और अभी खा जाऊं मैं। और इसे मम्मी ने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे भुनी हुई मम्मी ने मूंगफली ली है, उसको कूट के डाल दिया इसमें। मैंने अक्सर देखा है रीवा के समोसों में कई बार की मूंगफली मिलती है यहाँ, तो ये मूंगफली का इस्तेमाल किया है। कई लोग फ्राई करके डाल देते, कई लोग कच्ची डालते हैं, तो ये भुनी हुई मूंगफली का थोड़ा क्रश करके मम्मी ने डाला है इसमें। ये लास्ट में डाल दिया धनिया पत्ता। ये इधर गया समोसा बनके तैयार हो गया है, और इधर अब फ्राई होने के लिए कढ़ाई में मम्मी ने डाल दिया है। तो समोसा रेडी हो गया है, मैं खा रही हूँ। ये समोसा बहुत ही टेस्टी बना है, एकदम प्योर मैदे का नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा आटे का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा मैदा है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट जैसा नहीं लगा, वैसा ही क्रंची और टेस्टी है। ये देखिए, और मम्मी यहाँ पे नमकीन वाला समोसा आप बनाएंगी। तो यहाँ पे सेव रखी थी मम्मी के पास लहसुन फ्लेवर की, तो अब इसका ही समोसा बनेगा। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट मेरे घर में चलती रहती है। और इधर बढ़िया सी आम की चटनी बनाई है मम्मी ने, बहुत ही टेस्टी है, समोसे के साथ ये बहुत अच्छी जाती है। हाँ बेटू, तो सुबह का समोसा खा के तो मज़ा आ गया था, और हम सब ने बहुत अच्छे से समोसा खाए, एंजॉय किया। और मम्मी और मैं यहाँ पे छत पे आके बैठे हुए हैं। दोपहर का भी खाना बन चुका है, पर आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, क्योंकि समोसा ज़्यादा ही खा लिया था तो हैवी हो गया था, तो कैलोरी काउंट की तो बहुत ज़्यादा खा लिया है मैंने। तो आज तो मैंने और कुछ भी नहीं खाऊँगी। हाँ, शाम को ज़रूर मैं ऐसे कुछ भी मुरमुरे वगैरह बना के खा लूँगी। और मम्मी को इधर आ रही है नींद, क्योंकि यहाँ अच्छी मस्त हवा चल रही है और यहाँ काम चल रहा है, तो हम लोग ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। और आज का तो ब्लॉग ज़्यादा अच्छा शायद आपको ना लगे, बट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना,
और अभी इधर काम चल रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ, बस वही देख रहे हैं हम लोग बैठे हुए हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी। तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो इधर छत बन रही है, छत पे प्लास्टर वगैरह हो रहा है, ये सारा काम चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो बस हम लोग यहीं, कुछ काम वाम तो है नहीं हमारे पास, तो हम यहीं बैठ के यही सब देख रहे हैं। ये इतना काम हो चुका है ये छत की, क्या है ना कि गाड़ी खड़ा करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो दूसरे के यहाँ कार खड़ी होती है मम्मी की। तो सबसे पहले इधर बाहर का काम पापा ने बोला कि कर दो, ताकि हमें थोड़ा ये बल्ली वल्ली हट जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो ये सारा काम हो रहा है, ये एक्चुअली ऊपर प्लास्टर करवाना है ना, तो इसके लिए बल्लियाँ बांधी जा रही, ताकि इसके ऊपर चढ़ करके फिर ये प्लास्टर कर सके। अभी जा रही हूँ नीचे, और आज एक चीज़ की बहुत खुशी है कि घर में नेट लग गया है। मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो आज घर में इंटरनेट कनेक्शन हो गया है, और टीवी वगैरह भी सब अच्छे से चलेगी, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और अच्छी स्पीड आ रही है, तो और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। आज के लिए तो फ़िलहाल इतना ही, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।